हेलो दोस्तों, फिसुबुडू बेस थंबनेल लगाने सही तरीका क्या और थंबनेल लगाने से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप बने वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं अपनी मॉल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जैसे दोस्तों यहां पर आप मेरी मॉल की स्क्रीन यहां पर देख सकते हैं। यहां पर मैं वीडियो वाला ऑप्शन पे करता हूं क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पे थंबनेल लग रहे हैं ना। देखिए जैसे पहले वीडियो पे मैं थंबनेल लगाया और भी वीडियो में मैंने थंबनेल लगाया। थंबनेल लगाने से आपको ये फायदा मिल जाता है, आपके व्यूज वगैरह बढ़ जाते हैं। आपने बड़े बड़े क्रिएटर के देखे होंगे, उनकी फेसबुक वीडियो पे कितने ज्यादा व्यूज आते हैं, वो थंबनेल लगाने की वजह से व्यूज आते हैं। अगर आप अपनी वीडियो पे थंबनेल लगाओगे ना, 10% आपके व्यूज बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं फेसबुक वीडियो आप थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसको हटा लेना है। यहाँ पर आपको गूगल को लेना ओपन। हाँ, गूगल को ओपन करने बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, सर्च कर देना है। यहाँ पर फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो सर्च करने बाद यहाँ पर हम पहले वाली वेबसाइट पे कर लेते हैं क्लिक। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देख सकते हैं, मेटा बिजनेस सूट है ना, इसके अंदर आप ओपन हो जाओगे। इसको यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पे कर लेना क्लिक। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड पे इसको कर लेना है। जो आपकी पहले वीडियो डाली है उन पे आपको थंबनेल कैसे लगाना है और वीडियो आप जो अपलोड करते हैं उस समय आपको थंबनेल कैसे लगाना है, वो दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अगर मैं आपको इस पे बताऊंगा इसमें बहुत ही छोटे छोटे दिख रहा है, तो आप अपने फोन में इसको इजिली ओपन आप कर सकते हैं और आप अपने काम को इजिली कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वहाँ पे आपको बड़ा बड़ा दिख है, उसमें आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे दोस्तों हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने बाद यहाँ पर आपको कंटेंट वाले ऑप्शन में करना है क्लिक। इस वाले कंटेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करने बाद यही आपको फोन में कंटेंट वाले ऑप्शन पर आपको कर लेना क्लिक। फोन में और कंप्यूटर में सेटिंग दोनों एक ही है। जो आपकी पुरानी वीडियो है ना, उनको आपको थंबनेल कैसे लगाना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे करना है क्लिक। थ्री डॉट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिट पोस्ट पे करना है क्लिक। जैसे आप एडिट पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे आपको अपलोड इमेज पे करना है क्लिक। अपलोड इमेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कोई से भी एक थंबनेल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं हाल फिलहाल के लिए ये वाला थंबनेल सेलेक्ट करने वाला, यहाँ पे मैं ओपन पे कर दूंगा क्लिक। ओपन पे क्लिक करने वाला यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे कर दूंगा क्लिक। सो ही मेरा थंबनेल हो जाएगा चेंज। ऐसे आपको थंबनेल अपना चेंज कर लेना। तो ये तो तरीका हो गया पुरानी वीडियो पे थंबनेल लगाने का। अब मैं आपको बता दूं जो वीडियो आप अपलोड करने वाली हो उस पर आप थंबनेल कैसे लगाओगे, है ना। तो मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ आप क्रिएटा पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, एक वीडियो हम कर लेते हैं हमने सेलेक्ट अपलोड वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक वीडियो कॉपीराइट स्ट्राइक से रिलेटिव है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो रही है ना। यहाँ से आप तीनों प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और अपने फेसबुक ग्रुप पर। यहाँ पे तीनों पर आप एक साथ अपलोड कर सकते हैं, इससे आपका समय भी बच जाएगा। यहाँ पर आप वीडियो पर टाइटल भी देख सकते हैं और टेक्स्ट वगैरह जो आपके लेक्चर जो लिखना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और नीचे आप जैसे यहाँ पे थंबनेल का ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जैसे आप अपलोड इमेज आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ आप अपलोड इमेज द्वारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप थंबनेल सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने बाद आपका यहाँ पे थंबनेल हो जाएगा सेट। ऐसा आप यहाँ पे अपलोड वीडियो पर थंबनेल सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो का तो लाइक चैनल को लें, सब्सक्राइब बेलन पर कर लें प्रेस। मैंने फेसबुक पर भी वीडियो बनाई उनको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।